हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मिट्टू खेल रही हैं तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ। और मिट्टू पीहू का देख देख करके मिट्टू भी खाना लगाना सीख गई है। कभी खाना बनाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पीहू की तरह करती है। क्योंकि जब घर में एक बच्चा होता है ना तो दूसरा अपने आप वैसा करना सीख जाता है। तो यही मिट्टू के साथ भी है, सारी चीज़ें दीदी का देख देख के सीखती जाती है। और मुझे अच्छा लग रहा था, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे उम्मीद नहीं रहता कि मिट्टू कर पाएगी, लेकिन मिट्टू आराम से कर लेती है और बहुत बातें समझती है। हमें लगता है कि ये बोलती नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें समझती है। कोई चीज़ कहने पर तुरंत समझ जाती है और पहले से बहुत ज़्यादा शैतान भी हो गई है। स्टील का आयरन कितना बढ़िया रहा था। स्टील का आयरन तो लेकिन वापस करना पड़ गया। नहीं, स्टील का मतलब ऐसा ही रहता था। मेरे देखिए ऐसे ही है स्टील का। स्टील का ही है पक्का? हाँ यार, ऐसे ही है। ये तो एल्युमिनियम का चिनाई रहती है ना स्टील का। पता नहीं एल्युमिनियम वाली तो कितनी ऊपर तो ठोक दे इसको। इसे रुक जा रहा है ना? कहाँ रुक रहा है? जैसे ये जो है, ये जो झुकाते हैं, ये वाला हैंडल झुकाए हैं, ये थोड़ा सीधे हो जाएगा तो निचोड़ेगा नहीं बढ़िया। इसे दबेगा और तब थोड़ा सा नहीं दब रहा है ना, एक सूट दब जा रहा है पूरा। जितना अच्छा ब्लैक वाला था ना उतना अच्छा नहीं है, अब पता चल गया। लेकिन दुकानदार ऐसे देते होंगे, इतना निकल गया। इसको उखाड़ना है, ज्यादा गर्म हो गया, रुकना पड़ेगा। ना, ठंडा पानी मिक्स करके दे रहे हैं। और यहाँ पे मेरे रात में बर्तन धोए थे तो मैं ऊपर रख देती हूँ, नीचे नहीं रखती हूँ। मैंने बर्तन स्टैंड में बर्तन नहीं लगाए थे। कभी कभी मैं धो के सोती हूँ, कभी नहीं भी धो के सोती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और आजकल तो इतने दोनों इतने परेशान कर रहे हैं ना, कई बार तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जा रही हूँ। दोनों की शैतानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पूरा दिन सुबह से शाम कब हो जा रहा है। कई बार मेरा वीडियो बना रहता है, मैं डाल नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। क्योंकि पीहू की जिद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मिट्टू पीहू में झगड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हर चीज़ के लिए पूरे दिन लड़ती झगड़ती रहती है सब। एक मारेगी तो दूसरी रोएगी, दूसरी छीनेगी तो फिर वो रोएगी, पूरे दिन ऐसा ही चलता है। तो ये मैं बर्तन स्टैंड में बर्तन लगा रही हूँ। और कल मेरा वीडियो बना हुआ था, लेकिन जैसे कभी कभी मैं गैप कर देती हूँ, मेरा वीडियो बना रहता है लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाती क्योंकि बच्चे इतने परेशान करते हैं ना, फिर मेरा भी मन करता है छोड़ो जाने दो, मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा वीडियो शूट हो जाता है, मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन एडिट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं गैप कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं पति से बात भी कर रही हूँ। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सुबह काढ़ा। इनके लिए पहले काढ़ा बनाऊंगी, फिर चाय बनाऊंगी। और ये गुड़, दूध दे दीजिए ना गर्म करने के लिए। और अभी यहाँ पे मैंने रात का बर्तन धो के रखा था जो मैंने स्टैंड में नहीं लगाया था, तो मैंने सारा बर्तन लगाया है, ढेर सारा बर्तन था तो पूरा ना स्टैंड पे गीला गीला सा हो गया था।
तो पानी नीचे गिरा करके नीचे वाइपर मारा है और यहाँ पे चिप चिप सा कर रहा है, चिप चिप। थोड़ी सी सिंक ना होने से बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बर्तन ना इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर सारा एक साथ धोना पड़ता है। रात में मैक्सिमम मैं धो नहीं पाती हूँ, क्योंकि मिट्टी जगी रहती है तो मैं धोती हूँ वहां पे, तो मिट्टी भी वहीं पे खड़े होकर रोने लगती है। तो ये प्रॉब्लम बस कुछ दिन की है, कुछ दिन बाद अपना घर हो जाएगा तो वहां पे सिंक भी हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा, क्योंकि सिंक ना होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये मेरी चाय हो रही है, तब तक मैं चलूं थोड़ा सा दूसरा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अरबी की सब्जी बनाने चाह रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा ना आप लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ना बॉयल करके मैश करके फिर बनाते हैं, लेकिन मैं ना इसे अरबी को सबसे पहले नमक डाल के एक सीटी देती हूँ, ज़्यादा मैं बॉयल नहीं करती हूँ, बस एक सीटी देना है और उसके बाद मैं छील लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद मैंने सबसे पहले एक चम्मच अजवाइन डाला है, थोड़ा सा अजवाइन ज़्यादा डालती हूँ, और वैसे भी अरबी की सब्ज़ी अजवाइन में ही बनती है, मैंने सुना है, क्योंकि शादी के पहले मैं मेरे घर कभी नहीं बना था, मैंने देखा भी नहीं था और मैंने खाया भी नहीं था शादी के बाद, शादी के बाद ससुराल में भी नहीं बनता ये, मैं जब बाहर रहने आई तो यहाँ पर बिकता है, तो मैंने पहली बार बनाया, मुझे बहुत पसंद आया, तब से मैं अब बनाती हमेशा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पति को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाला है, और अरबी की सब्ज़ी में मुझे प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुछ भी ज़्यादा नहीं डालूँगी, और प्याज थोड़ा सा लाल होने दूँगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हो, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बारिश का सीज़न है तो मैं जाली वाले से ढक देती हूँ, और यहाँ पर मैं हल्दी धनिया पाउडर डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी इसमें, ज़्यादा मैं मसाला नहीं डालती हूँ, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालूंगी। और थोड़ा सा मसाले फ्राई करने के बाद मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ इसी में, और अरबी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, नमक भी डाल दिया है। और ये देखिए अरबी को छील लिया है, छीलने के बाद छोटे छोटे पीस में काट दिया है, एक से ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, नहीं तो ये ना बिल्कुल गल जाएगा, और इसे छीलने में कम से कम आधा पौन घंटा लगा मुझे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना हाथ में चिपक जाता है ना, बहुत जल्दी हम इसे छील नहीं पाते। अगर आप चाहें तो छील के बॉयल करें, लेकिन छील के बॉयल करने से ना हाथ में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, इसलिए मैं वैसे नहीं करती हूँ। और ये सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप सब बताना अपना आप लोग कैसे बनाते हो, क्योंकि हर जगह एक ही सब्ज़ी अलग तरीके से बनता है। और मिट्टू परेशान कर रही थी तो गोद में लेना पड़ गया, और इसे ना मैं बिल्कुल धीमी आंच पे कुछ कुछ देर पे चलाती रहूँगी, और इसे थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना होता है, मतलब थोड़ा सा ना फ्राई हो जाता है तो चिपचिपापन ख़त्म हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है, और थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ता है, क्योंकि ना ये एक में मिक्स हो जाता है, और देखिए जो बॉयल किया था तो मिक्स नहीं था, लेकिन चलाते चलाते थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, सब्ज़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी, और पतिदेव को खाना देना है तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं को दे देती हूँ, क्योंकि उनको जल्दी भी रहती है, सुबह सुबह के टाइम थोड़ा सा जल्दी रहता है, तो बना के उनको दे के, फिर बच्चे सोए ही थे, कभी कभी जग भी जाते हैं, कभी कभी सोए भी रहते हैं, बच्चों का कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं रोटी बना करके घी लगा करके उनको दे दूँगी, और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी अभी हो रही थी, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच पे भुनना था ना, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। आज यहाँ पे बाकी घर के झाड़ू वाड़ू सब लग चुके हैं, यहाँ पे मैं पीहू को होमवर्क करा रही हूँ, क्योंकि पीहू का होमवर्क था, तो पीहू को होमवर्क भी कराना होता है, पता है बच्चों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत इधर बीच में थोड़ा सा ज़्यादा पीहू बहुत परेशान कर लगी है, वो मोबाइल देखेगी, टीवी देखेगी, कुछ भी देखेगी ना, तो उसमें जो भी चाहे चॉकलेट हो, बिस्किट हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे गाड़ी खिलौना कुछ भी हो, वही चाहिए। जैसे बिस्किट कई तरह के घर पर हैं, लेकिन नहीं, जो टीवी में है वही चाहिए, मोबाइल में जो खिलौना है वही चाहिए, तो जिस मतलब परेशान मैं हो जा रही हूँ। और मिट्टू पीहू में भी थोड़े से नोक झोंक होते रहते हैं, उससे भी परेशान हो जाती हूँ, हालांकि पीहू मिट्टू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब एकदम बिल्कुल जान की तरह, मिट्टू सो जाएगी तो पीहू को चैन नहीं मिलेगा, जगा दो, मैक्सिमम जगा देती है, मतलब उसके साथ खेलना है, रोने लगेगी, मिट्टू सोई है मैं किसके साथ खेलूँ, मिट्टू सोई है मैं किसके साथ खेलूँ, तो प्यार भी बहुत है, लेकिन हाँ दोनों में झगड़े भी बहुत होते हैं। और यहाँ पे मैं होमवर्क कराने के बाद बाकी वीडियो शूट नहीं कर पाती, मैं पीहू को होमवर्क कराने के बाद कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, और आप लोगों से अभी वीडियो का एंड करना है, तो सोचा चलो बात कर लेती हूँ। और यहाँ फोल्डिंग पे मैं लेटी हुई हूँ, क्या हुआ मिट्टू,
क्या गिर गया नीचे? कोई बात नहीं, आप खिलौना जाओ रख दो, खिलौना जाओ, खिलौना सारा रख दो, जाओ बेटा खिलौना सारा रख दो। और क्या कहूँ, थोड़ी सी या तो कहो मैं बहुत परेशान हो जा रही हूँ, मैं सही से काम नहीं कर पा रही हूँ, या मैं बहुत लापरवाही यूट्यूब पे करने लगी हूँ, मेरे गैप हो जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन शायद कंडीशन ही ऐसी है, बच्चे हैं, परेशान हो जाती हूँ। और एक मेरे लिए बुरी ही खबर है, मेरे 12-13 डॉलर कम्प्लीट हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब मैं पिन अप्लाई करूँगी, क्योंकि पिन के लिए मुझे 5 महीने हो गए। 10 डॉलर कम्प्लीट करने में मुझे 5 महीने लगे, 10 डॉलर, सिर्फ 10, क्योंकि मोनोटाइज मेरा चैनल मार्च में हुआ था और जुलाई आ चुका है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने में 10-12-13 डॉलर थे, और आज देखा तो वही 9.5 कुछ है। मतलब अभी फिर से मेहनत करना पड़ेगा, और सच बताया ना तो कई बार बिल्कुल यार, मतलब बिल्कुल करता है कि छोड़ दूँ, या फिर कई बार तो लगता है चैनल ही डिलीट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर ना समझ में नहीं आता कि लोग देखना क्या चाहते हैं। और पता है मेरे अभी तक जितनी बार भी 2-4 डॉलर पड़ते हैं ना, हर बार कट जाता है, पता नहीं YouTube क्या चाहता है यार। हम मेहनत अपनी करते हैं और इतना, मतलब इतनी मेहनत के बाद 10-12 डॉलर जाते हैं, फिर एकाएक हो जाते हैं चेक। किसी किसी के तो 10 डॉलर में से 5 कट जाते हैं, किसी के 4, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। जितने यूट्यूबर फ्रेंड है ना, किसी से बात करो, किसी का 10 कंप्लीट होने में 3-3-4 महीने लग रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यूज़ तो आते नहीं है। हमें बहुत व्यूज़ तो छोड़ी दो, व्यूज़ के नाम पे हमें क्या मिलता है ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं हमें कितने लोग देखते हैं। पता नहीं हम मेहनत नहीं करते, या हमारे वीडियो अच्छे नहीं होते, पता नहीं लोगों को क्या अच्छा लगता है। हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, खिलौना सारा रख दो, सारा खिलौना रख दो। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि लोग क्या देखते हैं यूट्यूब पे। आज तक मैं ये नहीं समझ पाई हूँ कि यूट्यूब पे ऐसा क्या किया जाए कि लोग देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, हाँ जाओ खिलौने रख दो, जाओ खिलौने रख दो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि डेली कुछ ना कुछ नया दिखाते हैं, डेली नई नई रेसिपी शेयर करते हैं। और अरे हाँ जाओ जाओ जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो डेली मेहनत करते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया दिखाते हैं, और उन्हें भी व्यूज के नाम पे 300-400 मिलते हैं। अरे तुम तो मार डालोगी मम्मा को, मम्मा को बात करने दो, सब लोग कहेगा पीहू मिट्टी आ जा रही है बीच बीच में भूत की तरह। आए 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 आए, जाओ जाओ जाओ। और मेरा मोबाइल वाकई बहुत खराब है, कभी लाइट कम कभी ज्यादा, तो इग्नोर मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पतिदेव को मना रही हूँ। देखिए मान जाए तो दूसरा मोबाइल ले सकती हूँ। तो चलिए इसी के साथ टाटा बाय बाय।